बैतूल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में मोतोश्री वृद्ध आश्रम में शहीद दिवस मनाया गया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु उपस्थित रहे। शहीद दिवस पर धर्म संभाव प्रार्थना की गई। इतना ही नहीं, भारत देश के लिए शहीद हुए बलिदानियों को नमन भी किया गया। समारोह के दौरान देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने का संदेश दिया गया। आश्रम पर मध्य प्रदेश शासन का आदेश हुआ था 28 तारीख को, और प्लस जो है महात्मा गांधी का पुण्य तिथि पर हम लोग एक छोटा सा आयोजन रखते ही थे धर्म सभा का। प्लस जो है इस बार से ऐसा पता लगा कि भारत के स्वतंत्र करने में और भी जितने भी शहीदों का योगदान रहा है उसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाए। बहुत अच्छा लगा। हमारे पारमिता जनसेवा की तरफ से हमारे सभी सदस्य जो भी मतलब आ सके हैं, सविता जी है, यशपाल जी है, हम यहाँ पे आए, हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ सर्वधर्म समुदाय की सभा जो आयोजित की है, यहाँ सभी धर्म के जो अनुयायी हैं, इन्होंने अपने अपने धर्म के हिसाब से सभी धर्म को कैसे मतलब एकता की डोर में बांध के रखना चाहिए और राष्ट्रीय एकात्मता पर बहुत सारी बातें बताई। सिवनी के लखनऊ